हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। तो हम लोग यहाँ पे आपके यूपीएससी के करंट अफेयर के लिए ओनली आईएएस की प्रहार मैगजीन को कवर कर रहे हैं। और अपनी फर्स्ट वीडियो में हम लोग ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर से स्टार्टिंग है इसकी। जून की ये मैगजीन हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आर्ट एंड कल्चर का हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट कवर कर चुके थे। आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक नंबर 1 एंड 2 हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे थर्ड टॉपिक की बात है, दैट इज नालंदा यूनिवर्सिटी। आप अपने पास इस बुक की पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। अगर किसी के पास इसकी हार्ड कॉपी है तो आप हार्ड कॉपी ओपन करके भी इस कंटेंट को कवर कर सकते हैं। अब नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम हम सबने सुना हुआ है। नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करें तो ये कहाँ पे देखने को मिलती है, हमें बिहार में देखने को मिलती है। रिसेंटली नालंदा यूनिवर्सिटी को रिक्रिएट करने की बात की जा रही है, इसके कैंपस को दोबारा बनाने की बात की जा रही है। ये बहुत ही पुरानी यूनिवर्सिटी है, एक इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी में आप इसे काउंट कर सकते हो। अर्लियर इस यूनिवर्सिटी, देखिए ये यूनिवर्सिटी एक जमाने में इसमें जो था एडमिशन या इसमें जो आपका इंक्लूजन था वो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होता था, जैसे आजकल आप देखते हैं। तो उस जमाने में भी इसमें जो थी जो इंक्लूजन था वो एंट्रेंस टेस्ट के बेस पे होता था। बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क एंड अराउंड 1500 समथिंग 1510 टीचर्स यहाँ पे हमें इस यूनिवर्सिटी में देखने को मिलते थे। बट रिक्रिएट किया जा रहा है, इसका मतलब कुछ इस यूनिवर्सिटी के साथ प्रॉब्लम है या समय के साथ ये डिके हुई है, ये प्रॉब्लम है? नो। ये यूनिवर्सिटी पे देखिए, वैसे तो एक दो बार और इस यूनिवर्सिटी पे अटैक किया गया था, बट इस यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था बाय द पर्सन बख्तियार खिलजी, राइट? और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी में कुछ खास बचा नहीं था, बस कुछ आपके एक तरीके से ये अवशेष रह गए थे, जो आपका बिल्डिंग मॉन्यूमेंट होता है वो चीज रह गई थी। तो यहाँ पे इसको लेटर ऑन रिक्रिएट करने की बात, अब रिसेंट न्यू यूनिवर्सिटी बनाने की बात की जा रही है। तो क्वेश्चन में मतलब ये जो पॉइंट है, ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसने इसको जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। अब कहानी तो नहीं पूछेगा क्यों जलाया है, बट अगर हम देखें तो इसके पीछे की कहानी कुछ ये है कि बख्तियार खिलजी जो है वो एक समय पे बहुत बीमार हो गए थे, और बख्तियार खिलजी के ट्रीटमेंट के लिए, लाइक उन्होंने सब अपनी तरफ से तो ट्रीटमेंट करा ली थी, बट यहाँ पे अब उन बोला गया था उनको कि अगर उन्हें ट्रीट कराना है तो ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं वो उनको ट्रीट कर सकते हैं और वो उनको रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब उनके रिकवर रिकवर करने की बात हुई तो उन्होंने उनको बुलाया, जो हेड थे ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, बट उनसे बोला कि आप मेरी ट्रीटमेंट करो बट मैं आपसे कोई दवाई नहीं लूंगा। तो पर्सन ने बोला कि ठीक है, हेड ने ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, आप दवाई मत लो, बट उन्होंने उनको जो होली बुक ऑफ द मुस्लिम होती है, बिकॉज ही डोंट वॉन्ट अ हिंदू पर्सन टू ट्रीट हिम, रीजन यही था कि वो हिंदू पर्सन को ट्रीट करना नहीं चाहते थे, उनको तो वो नीचा दिखाना और लाइक ट्रैवल करने का काम यहाँ पे कर रहे थे। तो यहाँ पे उन्होंने उनको ट्रीट बोला कि आपकी जो ये होली बुक है आप उसको पढ़ो, यानी कुरान को आप पढ़ो। कुरान को उन्होंने पढ़ा और धीरे धीरे उनकी जो सिचुएशन थी वो रिकवर हो गई। अब कैसे रिकवर हो गई? सिर्फ कुरान पढ़ने से नहीं, यहाँ पे उन्होंने कुरान में क्या कर दिया था, मेडिसिन यहाँ पे अटैच कर दी थी। कुरान में ही मेडिसिन, कुरान के साथ ही एक ऐसी मेडिसिन उन्होंने वहां पे प्रोवाइड कर दी थी, जिससे वो मेडिसिन बख्तियार खिलजी तक पहुंच रही थी। जब बख्तियार खिलजी को ये बात पता चली तो दिस इज द सिचुएशन, जो ईगो पे उन्होंने बात ले ली कि हाँ इनके लोगों में इतने ज्यादा, मतलब वो काफिर कंसीडर करते थे, इनमें कैसे इतनी ज्यादा नॉलेज हो सकती है? तो वो जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो वो नॉलेज का जरिया है, उसे ही खत्म कर दो, यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को खत्म कर दिया जाए। दिस वॉज द लाइक एक तरीके से आइडियोलॉजी थी बख्तियार खिलजी की, जिस वजह से उन्होंने उसको जलाया। अब बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर, जैसे कि फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सांग है, उनकी जो राइटिंग्स है उससे हमें पता चलता है कि ये जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी इसको बनाया किसने था, गुप्ता डायनेस्टी के रूलर दैट इज समुद्रगुप्त फर्स्ट ने। क्वेश्चन इस तरीके से एमसीक्यू में आके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, समुद्रगुप्त फर्स्ट ने इसे बनाया था, बख्तियार खिलजी ने इन्हें जलाया, कहानियां तो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो कंटेक्स्ट यही है कि इनॉग्रेट करा है इस यूनिवर्सिटी को प्राइम मिनिस्टर ने। ये एक नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इसे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कंसीडर किया जा रहा है। आप देख रहे हो क्यों किया जा रहा है, माना जाता है कि जो ये यूनिवर्सिटी जलाई गई थी तो इसकी जो लाइब्रेरी थी, इसके पास वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरी थी, और ये कहा जाता है कि अराउंड 3 महीने उस लाइब्रेरी की किताबों को जलने में लग गए थे। तो इतनी वहां पे किताबें प्रेजेंट थी, इतना सोर्स ऑफ नॉलेज था, और बहुत सारी तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट भी थी जो जल गई और बिल्कुल रिकवर नहीं हो पाई बाद में, राइट? तो ये चीज जो है वो बहुत लाइक बड़ा लॉस था हमारे लिए। तो इंडिया की अगर हम अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि राजगीर में है बिहार में, ये एक सेंट्रल रिसर्च यूनिवर्सिटी है जिसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड एक्सीलेंस कंसीडर किया गया है। आप देख रहे हो कि क्यों कंसीडर किया गया होगा। अब इसका बैकग्राउंड क्या रहा है इसको रिवाइव करने का,
क्योंकि अब नुकसान तो बहुत पहले हो चुका है, बट 2006 में एपीजे अब्दुल कलाम जो थे उन्होंने प्रपोज किया था कि नालंदा को रिवाइव करना चाहिए, और 2007 में जाके बिहार की असेंबली ने पास करा ये बिल, ये पास करा बिल कि इसको एक नए लेवल की हमें जो यूनिवर्सिटी है उसको क्रिएट करना पड़ेगा। एंड 2010 में पार्लियामेंट ने रिप्लेस कर दिया इसको विद नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी बिल, राइट। अब यानी कि आपकी स्टेट असेंबली में भी पास हो गया और पार्लियामेंट ने भी इसको पास कर दिया है। तो 2013 में लेटर ऑन आगे चल के 2013 में एक मास्टर प्लान आया फॉर द कैंपस, जो प्रपोज किसने किया था, बीवी दोषी, ठीक है, बीवी दोषी। अब क्वेश्चन नाम आ सकता है, नाम याद इंपॉर्टेंट है, याद रखना, नाम याद रखना। बीवी दोषी ने एक मास्टर प्लान सजेस्ट किया था 2013 में, आइडिया प्रपोज किसने किया था, एपीजे अब्दुल कलाम ने, डन। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, और नालंदा का अगर मैं बात करूँ ना, तो नालंदा का मीनिंग संस्कृत आपका ये जो जो यूनिवर्सिटी का नाम है ना, ये भी कुछ संस्कृत वर्ड को लेके बना है, राइट। ये कुछ संस्कृत वर्ड को लेके बना है, इसमें आप देख रहे हैं, तो वर्ड मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, इट इज ना आलम दा, जिसका मतलब है अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ नॉलेज, सॉरी अनस्टॉपेबल फ्लो ऑफ नॉलेज, नॉलेज जो है वो फ्लो की जाएगी और उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। तो नाम के साथ ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल जस्टिफाई करती थी, बट इशू आए एंड देन इसको रिवाइवल की बात एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रपोज की। अब आगे आप देखो कुछ और फैक्ट दिए विद रिगार्ड टू दिस। महावीर, महावीरा का जो मतलब संस्कृत पाली में मतलब होता है ग्रेट मोनेस्ट्री। नालंदा जो महावीरा था ये 5th सेंचुरी से 13th सेंचुरी तक प्रॉपर एक्टिव रही। कुमार गुप्त ऑफ गुप्त डायनेस्टी ने इसको फाउंड किया, राइट। एंड ह्यून सेंग जो अकाउंट है, जो चाइनीज ट्रेवलर मैंने अभी यहाँ पे बोला, वो बताते हैं इस एंशियंट यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके जो अकाउंट है उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलती है कि यहाँ पे अराउंड 10,000 स्टूडेंट, अब देखिए इतना तो नहीं आएगा बट लिखा है तो हम एक बार पढ़ लेंगे, 2,000 टीचर यहाँ पे प्रेजेंट इस यूनिवर्सिटी में हमें देखने को मिलते थे। अब नालंदा जो है वो वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, बच्चे आके जो लोग थे जो यहाँ स्टडी करते थे वो यहाँ आके रहते थे और रह के पढ़ते थे यहाँ पे। डन, इसको डिस्ट्रॉय करा 1190 में बाय बख्तियार खिलजी, राइट। इसको डिस्ट्रॉय करा किसने, बाय बख्तियार खिलजी, इसको डिस्ट्रॉय किया गया, कब किया गया, 1190 में, 1190 में। फर्दर अगर हम लोग देखें, अच्छा ये चीज यहाँ पे मेंशन है कि ये क्या थे, एक अफगान मिलिट्री जनरल थे, टर्को अफगान मिलिट्री जनरल थे। उसके बाद रीडिस्कवर किसने किया इसको, यूनिवर्सिटी को रीडिस्कवर किया 1812 में एक स्कॉटिश सर्वेयर थे, दैट इज फ्रांसिस बुचैन हैमिल्टन, और लेटर इस यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई करा कि एक बहुत एंशियंट यूनिवर्सिटी है सर एलेक्जेंडर कनिंगम ने, क्लियर। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी ये यूनिवर्सिटी है, यूनेस्को आपको पता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करता है, तो उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। अच्छा मैंने शायद ऊपर एक गलत नाम ले लिया था, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मैंने कहीं पे समुद्रगुप्त बोल दिया था, तो सॉरी फॉर दैट। कंस्ट्रक्शन जो इसका किया गया है वो बाय कुमार गुप्त किया गया है, राइट। स्टैब्लिश किसने किया था, कुमार गुप्ता फर्स्ट ने इसको स्टैब्लिश किया था, और यूनिवर्सिटी को क्या बोला जाता है, नालंदा महावीरा भी बोला जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अगले टॉपिक पे आते हैं। कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होती है, देखो सारी चीजें वर्ड बाय वर्ड पॉइंट बाय पॉइंट नहीं याद करनी होती है ना, डेटा देख के नहीं घबराना है, एक दो बार पहले कंटेक्स्ट समझ लो, मेन मेन पॉइंट याद रख लो, फिर दूसरी तीसरी रीडिंग में माइन्यूट चीजें भी याद रहेंगी, और बाकी फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से चीजें आती हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि रट्टा मारते रहोगे एक एक टॉपिक का, ऐसे तो आप पूरा जो मैगजीन है वो खत्म ही नहीं कर पाओगे। तो अब यह मंथली आनी है, मंथ निकल जाएगा, सारे डेज निकल जाएंगे, हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए वन गो में जितना माइंड में रह रहा है दैट इज ओके, लेटर ऑन दोबारा इस चीज को रिवाइज कर ले। अब यहाँ पे हमारा हेडिंग दिया हुआ है पेरुम्बलाई। पेरुम्बलाई जो है ये एक प्लेस है, कहाँ पे, एक विलेज है छोटा सा तमिलनाडु में, कहाँ पे है ये, तमिलनाडु में। तो यहाँ पे क्या क्यों न्यूज में है, तो एक रिपोर्ट आई है जिसका टाइटल है एक्सवेशन एट पेरुम्बलाई 2022, ये डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी ने पब्लिश किया और रिलीज किया है बाई CM MK स्टालिन। तो यहाँ पे कुछ एक्सकवेशन हुई है, हमें पता है कि पुरानी पुरानी चीजें, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया सब कुछ, आज भी बहुत सारी चीजें, कुछ नया कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ नई फाइंडिंग्स होती है, तो बहुत सारी चीजें वो आज भी मिल रही हैं, और उनकी स्टडी करके लोग ये अनुमान लगाते हैं कि वो किस टाइम की है। जैसे आज की डेट में भी हड़प्पा की कुछ साइट्स हमें मिल जाती हैं कई बार, राइट। तो यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे मिले हैं आपको कुछ ज्योमेट्रिकल साइन ऑन अ ग्राफिटी,
अब ये ग्राफिटी वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? जब आप कुछ चीज वॉल पे पेंट करते हो, पहले देखो, पहले कोई नोटबुक तो होती नहीं थी कि स्केच करा, या ऑनलाइन आपने 3D इम्पैक्ट से कोई इमेज बना के आपने इनबिल्ट कर दी, तो वॉल केव पेंटिंग केव पे की जाती थी, वॉल पे की जाती थी। तो ग्राफिटी होती है कि पेंट ऑन अ वॉल, मतलब वॉल पे आपने कुछ पेंट कर रखा है। तो यहाँ पे ये चीज आपको मिली है। मोस्ट कॉमन ग्राफिटी मार्क्स जो है वो ज्योमेट्रिकल साइन देखने को मिलते हैं, जिसमें दो ओब्लिक लाइंस जो एक सेंट्रल वर्टिकल टॉप पे जाके मिल रही हैं। ये इमेज है, देखिए डायरेक्टली ये लाइन इस तरीके से आना तो चांसेस कम है, बट ठीक है, याद रखो कुछ ग्राफिटी में यानी वॉल पेंटिंग मिली है। कहाँ पे मिली है? पेरुम्बलाई में मिली है। पेरुम्बलाई इज अ प्लेस इन तमिलनाडु, और ये प्रॉपर सीक्वेंस में हमें देखने को मिल रही है, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में। और जो लोअर मोस्ट लेवल जो है पोट्री का, वो काफी थिन है। फाइन BRW एंड ब्लैकवेयर यूज किए गए हैं। ब्लैकवेयर मतलब आप सर्च करोगे ना अगर ऑनलाइन BRW, आपको इमेज मिल जाएगी। BRW होते हैं ब्लैक एंड रेड वेयर, मतलब जो भी आपके पॉटरीज में जो बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, ब्लैक पॉट, अर्थन पॉट, ये सब जो होते थे ना, ब्लैक कलर के पॉट है, ब्लैक एंड रेड वेयर है, तो ये वो चीज के लिए रिप्रेजेंट किया गया है। ब्लैक एंड रेड के बाद में जो टाइम आया था उसमें ग्रे कलर भी यूज किया जा रहा था, BRW को सक्सीड कर रहा था। बाद में ग्रे वेयर भी हमें देखने को मिलते हैं। ग्रे वेयर मतलब जो पॉटरी, जो बर्तन होते थे, मान लो कोई पॉट है, जैसे आप देखोगे पुराने जो पॉट्स वगैरह है, उन सब पे बाहर से किस तरीके का पेंट किया जा रहा है। प्लस क्ले भी यूज की गई है, फाइन एंड वेल लेविजेटेड क्ले यूज की गई है। ठीक है, बस ये इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस मोटा मोटी बात जानो। अब ये ब्लैक एंड रेड वेयर मैंने बता दिया आपको क्या है। ये आयरन एज और आर्कियोलॉजिकल कल्चर के टाइम पे ये देखने को मिलता था कि ब्लैक एंड रेड वेयर जो है आपके पोट्रीज में यूज किया जा रहा है। ये कब देखने को मिला? 12th to 19th century BCE, यानी कि जो पोस्ट ऋग्वेदिक वैदिक सिविलाइजेशन था, मतलब ऋग्वेद के बाद चार वेद हैं टोटल, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे हमारे चारों वेदों के नाम क्या क्या हैं। तो जो ऋग्वेद के बाद जितने यानी पोस्ट ऋग्वेदिक जो इरा रहा है उसमें ये हमें देखने को मिला है। प्लस ये चीज ध्यान रखनी है कि हाँ, इसमें स्वास्तिक लाइक सिंबल हमें देखने को मिले हैं। MCQ में पॉइंट पे आ सकता है, बिल्कुल स्वास्तिक लाइक सिंबल मिले हैं। एक आपको एक फुली शेप्ड ब्लैक एंड रेड वेयर बोल मिला है, एक बोल मिला है ब्लैक और रेड वेयर है, वो BRW से है, जिसमें स्वास्तिक डिजाइन भी हमें देखने को मिला है, स्वास्तिक का एक साइन देखने को मिला। तो ग्राफिटी मार्क्स जो है वो कहाँ के हैं, कब के हैं, ये चीज अगर हम देखें तो ये कंफर्म किया गया है कि वो आयरन एज के हैं, यानी अर्ली अर्ली हिस्टोरिक पीरियड के हैं। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिली हैं, जैसे कि 200 टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ह्यूमन एंड बर्ड की कुछ फिगर्स मिली हैं, बीड्स, व्हील्स, स्लिंग बेल्स, स्पिंडल वोल्स, स्लैम्प्स, ये कुछ हमें चीजें और भी देखने को मिली है विद दिस जो पोटरी की चीजें हैं उनके अलावा। अब पेरुम्बलाई मैंने आपको बताया था तमिलनाडु में है, लेकिन यहाँ पे एक रिवर का नाम भी ध्यान रख लो, क्योंकि क्वेश्चन इससे रिलेटेड, आपको पता है करंट अफेयर में कोई चीज है तो उसके रिगार्डिंग स्टैटिक क्वेश्चन भी आ सकता है। जरूरी नहीं है यही सब पूछेगा कि वहां से क्या क्या मिला, ऐसे क्वेश्चन तो आते भी नहीं है, लेकिन हाँ ये तमिलनाडु में है। और कौन सी रिवर से फ्लो करता है, कौन सी रिवर के बैंक पे लोकेटेड है? तो दिस इज नागावती, जिसको पहले पलार रिवर बोला जाता था, और ये नागावती जो रिवर है ये कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है। नागावती रिवर विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द कावेरी, वहां के उसके बैंक पे ये लोकेटेड है। ये हमने देखा। नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक जो आर्ट एंड कल्चर का है, दैट इज विरूपक्ष का टेम्पल ऑफ हम्पी। अब हम्पी इज अ प्लेस इन कर्नाटका, और पुराने समय की बहुत फेमस साउथ की डायनेस्टी हुआ करती थी विजयनगर एम्पायर। विजयनगर की ये क्या थी? कैपिटल प्लेस थी हम्पी। विजयनगर जब स्प्लिट हुआ था, राइट, विजयनगर जब स्प्लिट हुआ था तभी, आप देखते हो बाद में जो मैसूर वगैरह प्लेस बने थे, जब ये विजयनगर स्प्लिट हुआ है तभी बने, राइट। चलिए, तो ये हमने देख लिया विरूपक्ष का टेम्पल ऑफ हम्पी, हम्पी कर्नाटका में है, हम्पी विजयनगर की पुरानी जो थी वो कैपिटल थी। अब ये क्यों न्यूज में है? क्योंकि विरूपक्ष का टेम्पल का कुछ पार्ट जो है वो क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि रेन्स की वजह से। आप देख रहे हो रेन की वजह से कितने इंसिडेंट अभी न्यूज में है, मैं नेम भी नहीं करूंगी बिकॉज टॉपिक से डाइवर्ट हम हो जाएंगे, बट देयर आर सो मेनी इंसिडेंट। करंट लग रहा है, बच्चे पढ़ते पढ़ते डूब के मर रहे हैं इस रेन के पानी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से, इतनी हैवी रेन है। अब केरला में वायनाड में लैंडस्लाइड हो गई है, इतने लोग वहां पे उनकी डेथ हो गई है, मेनी पीपल आर मिसिंग ओवर देयर। यहाँ पे ये टेम्पल का कुछ पार्ट भी रेन की वजह से कोलेप्स हो गया है। अब क्या ये क्वेश्चन में आएगा, ये प्रीलिम्स में किसी तरीके से ये हमें दे सकता है? नो, ये चीज नहीं आएगी। आपको क्या लिखना है, आपको मेंशन करना है इसमें कि ये विरूपक्ष का टेम्पल का बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा देखना है, राइट। तो इसका जो ओरिजिनेशन है वो 7th century AD में हमें देखने को मिलता है, और ये एक ओल्डेस्ट टेम्पल है हम्पी का, राइट। 7th century AD में इसको कंस्ट्रक्ट किया गया, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ हम्पी। यहाँ पे एक्सपेंशन जो इसका हुआ 14th century के टाइम पे हुआ, जब विजयनगर एम्पायर जो थी वो फ्लोरिश कर रही थी, विजयनगर एम्पायर एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में इमर्ज हो रही थी, तब इस टेम्पल का भी, ये टेम्पल भी हमें फ्लोरिश करता हुआ देखने को मिला।
पूजा वर्शिप किसकी की जाती है, तो भगवान शिव की यहाँ पे की जाती है, राइट। पूछ सकता है कि विरुक्ष का टेम्पल में कौन से भगवान की, मतलब आपका जो डाइटी है, जो भगवान है, वो कौन से विष्णु जी का नेम दे सकता है, राइट। स्टेटमेंट लिख के देगा, ऐसे नहीं देगा नीचे चार डाइटी के नाम दे दी, लॉर्ड विष्णु शिवा ये वो, नहीं, एक लाइन लिख के देगा अबाउट द विरुक्ष का टेम्पल कि यहाँ पे विष्णु जी की वर्शिप की जाती है। तो आपको पता होगा कि नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ लॉर्ड शिवा की पूजा की जाती है। ये जो टेम्पल है, इसे कंस्ट्रक्ट किसने किया था, तो वहां के एक रूलर थे विजयनगर एम्पायर के, परोधा देवराया सेकेंड, देवराया, परोधा देवराया सेकेंड, उनके चीफ थे लक्कन दंदेशा, चीफ थे, नायक थे उन रूलर के, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। विजयनगर के रूलर पारुदा देवराया के एक चीफ थे लाखन दनेशा, जिन्होंने इसे कंस्ट्रक्ट किया था। प्लस ये टेम्पल जो है, ये रिवर, अब अच्छा रिवर पूछ सकता है चीजें जब दे रहा है, तो यहाँ पे ये जो टेम्पल है, ये कौन सी रिवर के बैंक पे है, तुंगभद्रा रिवर के बैंक पे ये लोकेटेड है। यूनेस्को से भी ये जो आपका विरुक्ष का टेम्पल है, इट बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट एंड हम्पी। तो और जो हम्पी के मॉन्यूमेंट्स है ना, हम्पी जो मॉन्यूमेंट ऑफ हम्पी है, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। विरुप्स का टेम्पल डायरेक्टली नहीं, मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी पार्ट है, और मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी में जो इंक्लूडेड है, उनमें से एक विरुप्स का टेम्पल भी है, राइट। मॉन्यूमेंट्स एट हम्पी जो है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि अब एट प्रेजेंट इंडिया से कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो हो गई है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंडिया के कितने प्लेसेस अब आ गए हैं। लास्ट ईयर दो ऐड हुए थे, जिनपे प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था, अब प्लस वन एक और हो गया रिसेंटली, असम का मोइडम्स। आगे हम करेंट अफेयर में पढ़ेंगे, तो डेड को बुरियल्स मतलब दफना दिया जाता था, वो एक प्लेस है असम में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वो असम का एक प्लेस दैट प्लेस मोइडम, वो इंक्लूड कर लिया गया है। और इसके चलते नॉर्थ ईस्टर्न प्लेस से पहली कल्चरल साइट बनी है अभी तक वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में जाने वाली। अभी तक नॉर्थ ईस्ट से है, लेकिन वो नेचुरल साइट है। तो आप मुझे बताएंगे कि कितनी कल्चरल, कितनी नेचुरल और कितनी मिक्स साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, और वो मिक्स साइट, मिक्स मैं बता देती हूँ, मिक्स सिर्फ एक ही है वर्ल्ड हेरिटेज में, मिक्स्ड सिर्फ एक ही है। आप लोग उसका नाम मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से कौन सी साइट जो है वो मिक्स साइट है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा जो भी हम लोगों ने कवर करा है। अब बाकी आगे के क्लास में हम आगे के टॉपिक भी कवर करेंगे, और इस तरीके से हम इस मैगजीन को पूरा कवर करेंगे, और आई विल ट्राई कि मैं सारी मैगजीन इस तरीके से आप लोगों को कवर करा सकूँ, और जल्दी से जल्दी हम इस चीजों को कवर करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन। एंड केस कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, एंड अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन वॉच, एंड आई विल गेट मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियो एंड रेगुलर वीडियो विद रिगार्ड टू दिस। सो दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।